नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने पांचवें दिन भी अपना धरना जारी रखा। शुक्रवार को धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पहसाना शुगर मिल पर 200 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। किसान बिजली का बिल और बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि बीते सत्र का पूर्ण भुगतान मैं ब्याज का किया जाए, साथ ही गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए। गन्ना तोल केंद्र किसानों की सुविधाओं के आधार पर स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर साल गन्ने का सीजन देरी से शुरू होता है, जिसके चलते किसान काफी गन्ना कोल्हू पर डालने के लिए मजबूर होते हैं। अक्टूबर माह में शुगर मिल चलाई जाए, बहसाना शुगर मिल को किसान गन्ना नहीं देंगे। क्षेत्र के किसानों का गन्ना प्रशासन दूसरी शुगर मिलों में भिजवाने की व्यवस्था करें। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के कुछ लोग संगठन के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम्हें संगठन में सम्मान नहीं दिया जा रहा। राकेश टिकैत ने अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह किसी के बहकावे में न आए, कोई भी आपस में न लड़े, क्योंकि यह संगठन किसानों का है। उन्होंने अपना अगला आंदोलन नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में करने की घोषणा की है। पहले पावर यहाँ के डीसीओ को भी होती थी, डीएम को भी पावर होती थी। डीएम को इतनी पावर होती थी डीसीओ के, कहीं अगर क्रय केंद्र लगाना है तो क्रय केंद्र लगा देता है जहां कहीं विवादित है। जो मामला यहाँ का चला हुआ है, मुजफ्फरनगर जिले के कुछ गांव दूसरे सेंटर पे गन्ना तोलते हैं जो दूसरे जिले का है, आपस में उनका विवाद है। उनने कहा कि 1B प्लेट हमको दे दो, ए और बी सी तक प्लेटें लगी हैं जो क्रय केंद्र है वो खुल जाते हैं, इसके साथ में बी और सी लगा दो क्रय केंद्र खुल जाएंगे। वो नहीं खुल रहे, उसी मिल का है, मिल वाला तैयार है, यहाँ का डीएम तैयार है, यहाँ के एसडीओ तैयार है, यहाँ का विभाग तैयार है, किसान तैयार है, लेकिन जो मोहर है वो लखनऊ लगाएगा। वो प्रेशर में लेने के काम करते हैं कि सब ताकत हमारे पास में है। जब डीएम चाहता है, यहाँ का एसएसपी चाहता है कोई विवाद ना हो, यहाँ के डीसीओ चाह रहे हैं, यहाँ के अधिकारी चाह रहे हैं, यहाँ के किसान चाह रहे हैं, तो फिर लखनऊ को क्या दिक्कत है? उनको थोड़ा लगानी, मिल वाले लगाएंगे उसको, एक क्रय केंद्र और खोल देंगे। 5 दिन में कोई निस्तारण नहीं निकला, अभी नहीं निकला। यहाँ के अधिकारी लखनऊ गए हुए हैं, उनको अवगत करा दिया। बजाज शुगर पैसे नहीं देता तो कुछ किसान बजाज शुगर मिल से हटना चाहते हैं, और कुछ गांव में हैं कि जिसमें से 120 बोंड दूसरे बजाज शुगर मिल पर लगे हुए हैं, उसी गांव के दूसरे और फैक्ट्री में गन्ना दे रहे, उनका पूरा भुगतान हो रहा, उसका नहीं हो रहा। जो गन्ना वहां पर नहीं देना चाहता तो क्रय केंद्र बदले भी जाते हैं। जिस फैक्ट्री पैसे नहीं दे रही उसके आप कांटे काट दो, क्रय केंद्र उसका गन्ना शॉर्ट हो जाएगा तो भुगतान देना शुरू कर देगी। आपका कहना है कि दो फाड़ करने का काम किया जा रहा है, कौन फाड़ कर रहा है? सरकार लगे हुए हैं, सरकार के लोग लगे हुए हैं, सरकारी कुछ लोग ट्रेनिंग शुदा हमारे संगठनों में घुसने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को बहकाने का काम करते हैं। किसको कहते हैं कि आपका पद ये है लेकिन आपको सम्मान नहीं मिल रहा। एक नया सम्मान शब्द जुड़ा है, जिन पदाधिकारियों को यह लगता है कि भाई सम्मान नहीं मिल रहा, आप उनके किसी के बहकावे में मत आओ, पूरा पदाधिकारियों का सम्मान यहाँ पे है, आपस में लड़ने का काम ना करो। ये संगठन किसानों का है, ये सरकार के लोग लग रहे हैं। जैसे अभी नोएडा में हमारे कुछ सीनियर लीडर वहां के हैं, उनके खिलाफ इकट्ठे ही मुकदमे लिखे, किसी महिलाओं को पकड़ा मुकदमे लिखे, क्योंकि प्रशासन बढ़ाता है ना कि ये आंदोलन छोड़ दे, ना आंदोलन छूटेगा, वे वहीं पे ही है। और बड़ा आंदोलन नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।